तो नमस्कार दोस्तों, फिल्मों के दुनिया के दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ब्रिज के उत्तर में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा हिट और रन केस के बारे में, हिट द फर्स्ट केस के बारे में। दोस्तों जैसे कि रीमेक का दौर चल रहा है और बॉलीवुड वाले रीमेक पे रीमेक किए जा रहे हैं इतने बदनामी के बाद, चलो रीमेक तो ठीक है, पर नकल करने के लिए भी अकल चाहिए और यहाँ पे बढ़िया से कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी को। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ पे बॉलीवुड ने डिसाइड किया है कि अब जो भी मूवी रीमेक होकर आएंगी उसका जो पार्टिकुलर डायरेक्टर, जो ओरिजिनल वर्जन या तमिल तेलुगु में जो डायरेक्टर थे वही डायरेक्टर अब हिंदी वर्जन को भी डायरेक्ट करें। दोस्तों आज मैं जिस मूवी का बात करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है हिट द फर्स्ट केस। दोस्तों ये मूवी तेलुगु रिलीज की गई थी 2020 में। दोस्तों इस मूवी को जो डायरेक्ट किए थे शैलेश कोलानू सर ने और इस मूवी के जो स्टार कास्ट में नजर आए थे वो विश्वाक सेन थे और रूहानी शर्मा थे। दोस्तों बेसिकली ये सन थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री टाइप की मूवी थी। दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूँ, मूवी काफ़ी बढ़िया थी और पब्लिक की तरफ से इस मूवी को बहुत सपोर्ट और बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। हालांकि बॉक्स ऑफिस में उतना बेहतरीन कलेक्शन तो नहीं कर पाई थी मूवी, फिर भी मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। बाद में चल के इस मूवी की जो लोकप्रियता वो बढ़ती गई, उसके बाद ये मूवी फेमस होती गई। उसके बाद जब ये मूवी अब जाके बॉलीवुड वालों ने इसका भी रीमेक करने का फैसला लिया और फाइनली इस मूवी का जो हिंदी वर्जन का वो ट्रेलर आज लॉन्च कर दिया गया। इस मूवी के जो स्टार कास्ट में नजर आएंगे हिंदी वर्जन वाले में, उसमें राजकुमार राव वेरी टैलेंटेड एक्टर है और इस मूवी का जो डायरेक्टर है अगेन वो सेम है शैलेश कोलानू। दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया बात है कि ओरिजिनल मूवी का जो डायरेक्टर थे अब इस मूवी का भी डायरेक्टर सेम है, तो मतलब की है कि मूवी जो है बढ़िया होगी, निकम्मा जैसे तो नहीं होगी। बेसिकली बात करूँ सस्पेंस थ्रिलर टाइप की मूवी के, दोस्तों इस मूवी का जो पूरा कार्यभार वो कैमरा वर्क और डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे तो पब्लिक को समझने में दिक्कत होगी। दोस्तों जो हिट दी फर्स्ट केस आई थी 2020 में वो काफी बढ़िया मूवी थी। इस मूवी का जो क्लाइमेक्स पर्सनली मुझे काफी बेहतरीन लगा था और इसके बाद डायरेक्टर ने खुद ही कह दिया था कि इस मूवी का जो है सीक्वल आते रहेगा, हिट द फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ऐसे करके ये 10 तक आएगा। उसके बाद व्यूअर्स के रिस्पॉन्स देखने के बाद इस मूवी का जो आगे का क्या होगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन इस मूवी का जो 10 तक आना, हिट द 10th केस तक आना ये तो तय है। दोस्तों बात करें हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन में अब जाके हिट द फर्स्ट केस का ट्रेलर रिलीज हुआ है, लेकिन इस मूवी का हिट द सेकंड केस उसका भी रिलीज डेट जुलाई में, मतलब हिट द फर्स्ट केस हिंदी वर्जन की रिलीज होगी और हिट द सेकंड केस तेलुगु वर्जन की भी जुलाई में रिलीज है। दोस्तों हिंदी तेलुगु वर्जन वाला हिट द सेकंड केस के जो स्टार कास्ट नजर आएंगे वेरी टैलेंटेड एक्टर अद्विशेष, उनकी जो मेजर मूवी है काफ़ी बढ़िया चली थी बॉक्स ऑफिस पे, काफ़ी बेहतरीन एक्टर है, काफ़ी मेहनती एक्टर है। तो इस मूवी का जो डायरेक्टर अगेन सेम है, प्रोड्यूसर अगेन सेम है, लेकिन इस मूवी का जो स्टार कास्ट उसको बदल दिया गया है। हालांकि इस हिट द सेकंड केस मूवी का जो फर्स्ट लुक में यहाँ पे एक डोबरमैन कुत्ता को भी दिखाया गया है, तो मतलब इसमें जो एक्शन थ्रिलर है हो सकता है कि हिट द फर्स्ट केस के तुलना में डबल हो। दोस्तों मेरी एक पर्सनली राय है कि जब मूवी बन रही है, आपने तय कर लिया कि मूवी को हिंदी में बनाना ही है, तो साइमल्टेनियसली शॉट लो। इससे पहले आप डेविड मूवी देखे होंगे तमिल के, तो उसको यहाँ पे मैं डायरेक्टर और मेकर से सुझाव देना चाहूँगा, जब आप मूवी बना रहे हैं अलग अलग स्टार कास्ट से तो दोनों जो है वो सेम, मतलब जैसे कि आप हिट द फर्स्ट केस सेकंड केस रिलीज कर रहे हैं तो हिट द सेकंड केस हिंदी का भी साथ में आप रिलीज करें, ताकि मूवी को ज़्यादा बेहतर पॉपुलरिटी हासिल हो और व्यूअर से काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स हासिल हो। इससे ये होगा कि मूवी का मेकिंग में थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा और मूवी की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो साइमल्टेनियसली शॉट लेके मूवी बनाई गई थी, इस मूवी का मैं नाम बता दूँ, जैसे रक्त चरित्र हो गया, आपका डेविड मूवी हो गया, मैं ये डेविड मूवी काफ़ी बेहतरीन उदाहरण होगा, रावण मूवी है उसका भी काफ़ी बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ये जो मूवी है साइमल्टेनियसली अलग अलग, मतलब मूवी का शूटिंग के दौरान अगर आप हिंदी वर्जन में विक्रम को रख रहे हैं डेविड मूवी में, तो तमिल वर्जन में जीवा एक्टर थे, तो मतलब हिंदी वर्जन का जो टेक दे रहे थे वो विक्रम दे रहे थे और तमिल वर्जन का टेक थे वो जीवा दे रहे थे, मतलब साइमल्टेनियसली अलग अलग एक्टर द्वारा यहाँ पे शॉट लिया गया है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे करके मूवी बनाएंगे तो काफी बेहतर पॉपुलर होगा, क्योंकि अगर आप हिंदी वर्जन के एक्टर फर्स्ट पार्ट में राजकुमार राव को दे दिया, तो सेकंड पार्ट जब जैसे रिलीज हो रहा था जुलाई का 29 तारीख को हिट द सेकंड केस तेलुगु में, तो साथ में हिंदी का सेकंड केस भी रिलीज कर देना चाहिए था। दोस्तों अभी ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन जब हिट द थर्ड केस आएगी तो मैं मेकर से कहूंगा कि हिंदी और जो तेलुगु लैंग्वेज है या बाकी पैन इंडिया लैंग्वेज अगर आप रिलीज करने के चाह रहे हो, तो साइमल्टेनियसली अलग अलग एक्टर के द्वारा शॉट ले लें या फिर एक ही एक्टर से
पांच अलग अलग टेक ले सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज। दोस्तों जब मूवी थिएटर पर रिलीज होगी हिंदी वर्जन वाली जो है वो 15 जुलाई को रिलीज होगी। इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा कि हिंदी वर्जन में ये मूवी कितना इफेक्टिव है। वैसे कि हिट द फर्स्ट केस का जो ऑफिशियल हिंदी डब वो आपका यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और आपको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में भी मिल जाएगा। आप उस मूवी को देख के आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये मूवी कैसी बनी और कैसी हिंदी में डब हुई है। बाकी बात इस मूवी का जो ऑफिशियल रीमेक जब रिलीज होगी थिएटर्स में उस वक्त मैं रिव्यू भी करूँगा, आप लोग देख के भी बताएं कि मूवी कैसी बनी है। दोस्तों ऑफिशियली मैं बता दूं कि हिट द सेकंड केस 29 जुलाई को ही रिलीज हो रहा है, तो मैं हिट द सेकंड केस देखने जाऊंगा। दोस्तों आज के लिए मेरे वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ऐसे मज़ेदार अपडेट्स लेकर हाजिर होता रहूँगा। जय हिंद।